everyone this is second part of the chapter quality i explain you this listen carefully well mr kessler i said how are you he came close and peered at me i am pretty well he said slowly but my elder brother is dead see beta first part एंड्स एंड uh, जो नरेटर है वो गैसलर की शॉप पर जाता है उसके हैंड में uh, क्या देखता है आई शो यू द लास्ट इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप दिस टाइम इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर तो नरेटर जब उसकी शॉप पर जाता है बहुत महीनों के बाद में तो देखता है कि एल्डर ब्रदर के हैंड में एक लेदर का पीस है फिर क्या होता है कि मिस्टर गैसलर वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू अब जो नरेटर है वो गैसलर से पूछता है कि आप कैसे हैं ही केम क्लोज एंड पियर डेट मी आई बेल अब वो ये कहता है कि हाँ मैं तो अच्छा हूँ ही सेट स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो डेड हो गए हैं यानी कि अब इस दुनिया से जा चुके हैं एंड आई सॉ दैट इट वॉज इनडीड हिम सेल्फ बट हाउ एज एंड वैन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर मच शॉक्ड आई मोमट ओ आई एम सॉरी अब ये नरेटर जो है वो ये बोल रहा है कि पहले उन्होंने कभी अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बताया नहीं था कभी मैंने उनके एल्डर ब्रदर के बारे में सुना नहीं था लेकिन अभी जब इन्होंने मुझे बताया कि वो डेड हो गए हैं वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ ओ आई एम सॉरी सॉरी का मतलब कि मुझे बहुत दुख है कि आपके एल्डर ब्रदर अब यहाँ पर नहीं हैं यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन ही मेड अ गुड बूट अब जो है ये गैसलर बोल रहा है अपने एल्डर ब्रदर के लिए कि हाँ वो बहुत अच्छे इंसान थे वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे बट ही इज़ डेड लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं एंड ही टर्स the द टॉप ऑफ हिज Where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that on his poor brother to indicate, I supposed, the cause of his death. Do you want any woods? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. Yes, he answered. He was a good man. He made a good booth, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone. As thin as it had been on that on his poor brother to indicate I suppose the cause of his death देखिए कि वो ये अपने head पर आ, अपने hand को लगता है और वो ये कहता है कि वो क्या हो गए थे बहुत कमज़ोर हो गए थे आ, उसका जो एल्डर ब्रदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गए थे और वो उनकी डेथ का कारण था कि उनके जो हेयर्स थे वो ऑलमोस्ट जा चुके थे मींस कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जो पर्सन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है वीक होता चला जाता है डू यू फिर वो बात को चेंज करता है गेसलर जो है बात को चेंज करता है वो ये कहता है डू यू वॉन्ट एनी बोट्स क्या आप यहाँ पर बोट्स लेने आए हैं एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन इट्स हैंड और उसके हैंड में लेदर होती है इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ये कैसा है ये तो बहुत ही सुंदर I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. अब जो नरेटर है वो बहुत सारे पीस ऑर्डर कर लेता है सेवरल पीसेज ऑर्डर कर देता है क्यों क्योंकि क्योंकि उसे गैसलर ब्रदर से बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है एंड ये सिंपैथी किसमें कन्वर्ट हो गई है इम्पैथी में कन्वर्ट होती है अब देखिए सिंपैथी एंड इम्पैथी का डिफरेंस भी मैं आपको यहीं पर बताऊँगी वॉट इज कॉल्ड सिंपैथी सिंपैथी मीन्स वेन एवर यू सी एनी पर्सन इन ट्रबल एंड देन यू से ओ रियली ही इज़ इन पेन और ही इज़ इन ट्रिबल ठीक है आप जस्ट ये बोल देते हैं कि हाँ हाँ उसे बहुत परेशानी है मीन्स कि यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बट इम्पैथी इम्पैथी इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ सिम्पैथी ओके प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सिम्पैथी ओके मतलब कि उस सिम्पैथी में आप क्या करते हैं मान लीजिए रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड समबडी फेल डाउन ऑन द रोड अब अगर आप दूर से ही देखते हैं कि ओह हो उसको बहुत दर्द हो रहा होगा ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथी कि आपको उसके दर्द को थोड़ा सा महसूस करने की आपने कोशिश की बट आप क्या करते हैं एकदम भागते हुए उसको जाएंगे आप उठाएंगे एंड उसको आप अगर आपके पास गाड़ी है या आप किसी और की हेल्प लेके उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे इट मीन्स कि जो आपने उसका दर्द महसूस किया उसके बाद में आप प्रैक्टिकली उस पर्सन की हेल्प करते हैं तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सिंपैथी इज़ कॉल्ड एम्पैथी तो यहाँ पर ये जो नरेटर है वो वही चीज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है कि उसको बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर देता है क्यों क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाए गैसलर ब्रदर और उसकी थोड़ी सी अर्निंग अच्छी हो जाए इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर द कैम्प बट देवर बेटर देन एवर क्योंकि अब उसने बहुत सारे शूज़ ऑर्डर किए थे तो इसीलिए क्या हुआ थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन ये शूज़ कैसे थे बहुत अच्छे थे पहले से भी और ज़्यादा अच्छे थे वन सिंपली कु नॉट बियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आईवेंट अब्रॉड अब देखिए कि वो ये भी बताता है कि ये शूज़ जाते गए थे लेकिन मैं उन्हें पहन भी नहीं पाया क्यों नहीं पहन पाया क्योंकि मुझे अब्रॉड जाना पड़ा इसके तुरंत बाद ही मुझे अब्रॉड जाना पड़ा <coughs> इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज़ अगेन इन लंडन आप देखिए बहुत सालों के बाद फिर से ये लंडन आता है एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स और सबसे पहले वो उस शॉप पर जाता है जो कि उसके फ्रेंड की होती है आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ सिक्सटी आई केम बैक टू वन ऑफ सेवेंटी फाइव पिंस्ड एंड वन हू जेन्युनली दिस टाइम डिट नाट एट फर्स्ट नो मी तो डू यू वॉन्ट एनी वुड्स अभी देखिए ये जो तो फ्रेंड बोल रहा है वो किसको बोल रहा है उसी गैसलर ब्रदर को बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि जब मैं वापस आता हूँ नरेटर बताता है कि मैं अब्रॉड चला गया था लेकिन जब वापस मैं लंदन आता हूँ तो मैं बहुत सालों के बाद आता हूँ यानी कि अभी देखिए कि जब उसका फ्रेंड सिक्सटी का था तब वो लंदन छोड़ के जाता है और जब वो लंदन वापस आता है तो वो कितना हो जाता है सेवेंटी फाइव ईयर का हो जाता है सो आई कैम बैक to one of seventy five पिंस्ट एंड बॉन्ड हु जेनुअनली दिस टाइम डिड नाट एट फर्स्ट नो मी आप देखिए ये बहुत ही जेनुअन सी बात थी कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है सेवेंटी फाइव का हो गया एंड वो उसको बहुत रिकगनाइज नहीं कर पा रहा है नरेटर को वो रिकगनाइज नहीं कर पा रहा है डू यू वॉन्ट एनी बुट्स वो नरेटर से पूछते हैं कि आप क्या कोई बूट्स चाहिए आपको आप जूते ऑर्डर करने आए यहाँ पर ही सैड आई कैन मेक दैम Quickly, it is a black डाइम अभी देखिए कि वो ये कहता है कि अगर आपको शूज चाहिए तो आप बताइए मैं बहुत जल्दी आपको वो बना के दे दूंगा आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड अब जो नरेटर होता है वो गैसलर ब्रदर को कहता है कि यस मैं बिल्कुल मैं जूते लूँगा और मुझे ऑल काइंड चाहिए हर तरीके के एक एक जूते आप बना के मुझे दे सकते हो आई हैड गिविंग दोज बूट्स अप वेन वन इवनिंग दे कैम अब देखिए आई हैड गिविन दोज बूट्स अप अपन वन इवनिंग दे कैम वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर देवर द बेस्ट आई हैड एवर मेड आप देखिए फिर से वो जूते उसके पास आते हैं बन के एंड वन बाई वन जो नरेटर है वो शूज़ को पहन के देखता है एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, के बाद एक और हर शूज़ उसको पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा लगता है क्वालिटी भी अच्छी लगती है और फिटिंग भी अच्छी लगती है आई फ्ल्यू डाउन स्टेयर्स रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विध माई ओन हैं क्या करता है, ये? ये नीचे आता है और वहां से अपने चेक उठाता है, है और पेमेंट के लिए यह चेक खुद ही उसकी शॉप पर ड्रॉप करके आ जाता है अब लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई था आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड आप क्या होता है एक हफ़्ते बाद जब ये नरेटर खूब शूज सारे पहन लेता है वन बाई वन करके एंड एक हफ़्ते के बाद वो सोचता है कि मैं एक बार जाता हूँ और गैसलर ब्रदर को बता के आता हूँ कि आपने जो शूज़ दिए थे बड़े ही शानदार हैं शानदार स्प्लेंडिडली बड़े शानदार तरीके से वो मेरे को कैसे हुए द न्यू बोर्ड्स फिटेड वो जो नए जूते हैं वो बड़े शानदार तरीके से मुझे फिट आए हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग है बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन एक हफ्ते बाद ही जब मैं उसकी शॉप पे गया तो मैंने देखा वहाँ पर जो गैसलर बदल लिखा रहता था वो वहाँ पर नाम नहीं है वो नाम वहाँ से हट चुका है आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्बड अब ये एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि इसकी शॉप थी यहाँ पर गैसलर बदल की वो शॉप कहाँ चली गई उसका जो बैनर लगा रहता था तो वो कहाँ चला गया इन द शॉप देयर वॉज अंग मैन विद एन इंग्लिश फेस अब देखिए वहाँ पर एक दूसरा लड़का वहाँ पर बैठा होता है जो कि एक अंग्रेज होता है मिस्टर गैसलरिन आई सेट वो ये पूछता है कि मिस्टर गैसलर होंगे क्या पहले वो यहाँ पर होते थे नो सर ही सेट नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग प्लेजर वी हैव टेकन द शॉप ओवर वो जो लड़का होता है इंग्लिश मैन होता है वो ये नरेटर को बताता है कि नहीं नहीं गैसलर तो नहीं है यहाँ पर बट आप मुझे बताइए इट इज माई प्लेजर टू सी यू टू शो यू मैनी बुट्स ठीक है आपको किस टाइप के बुट्स चाहिए मैंने उसकी शॉप क्या कर ली है आ, पूरी शॉप को ले लिया है टेक ओवर कर लिया है उसकी शॉप को तो ये मेरा मतलब भाग्य होगा मैं मेरे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे अपने जूते ऑर्डर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर वो कहता है हाँ हाँ मुझे चाहिए तो है लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है ओह ही आंसर्ड डेड वो ये कहता है वो नरेटर को बताता है कि मिस्टर गैसलर क्या हो गए हैं डेड हो गए हैं ही लेफ्ट द वर्ल्ड मतलब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बुट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनजे वीक वो ये भी बताता है कि ये जो बुट्स हैं ये उन्हीं के बनाए हुए बुट्स हैं और मैंने इस शॉप को क्या कर लिया है टेक ओवर कर लिया है अब ये जो नरेटर है वो ये बताता है कि बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बोट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनजे वीक नरेटर कहता है ऐसे कैसे वो डेड हो गए एक हफ्ते पहले ही तो मैंने इतने सारे शूज़ मैंने यहाँ शॉप से ऑर्डर किए थे और देखो ये मैं पहन के खड़ा हुआ हूँ ये एक हफ्ते पहले की तो बात है थे ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्वड हिमसेल्फ अब वो जो इंग्लिश मैन होता है वो नरेटर को रीज़न बताता है कि ये जो पुअर ओल्ड मैन गैसलर था स्टाफड हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को खुद को उसने भूखमरी में रखा और जिसकी वजह से स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई है स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे अब ये जो इंग्लिश मैन है वो सारी चीज़ें बता रहा है नरेटर को कि कैसे कैसे उसकी डेथ हो गई वो ये कहता है स्लो स्टारवेशन यानी कि एवरी डे वो अपने फूड को क्या करता था डिले करता था ही डिड नॉट टेक मील इन टाइम वो अपने टाइम पर कभी भी मील को नहीं लेता था और वो क्या करता ही वॉज ऑलवेज बिजी इन वर्क हमेशा जूतों को ही बनाने में लगा रहता था और उसको ऑर्डर पूरे करने रहते थे तो इसीलिए वो कभी टाइम से खाना नहीं लिखता था और डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि ये बिल्कुल इस मतलब ये सही तरीका नहीं है जिस तरीके से वो काम करता था वुड कीप द शॉप ऑन वुडन्ट हैव अ सोल टर्स्ट हिज बुड्स एक्सपेक्ट एक्सेप्ट हिमसेल्फ वो ये कहता था अब उसके जो बुट्स जो वो बनाता था वो किसी को छूने में नहीं देता था उसे कोई दूसरी आत्मा भी छू नहीं सकती थी वो खुद ही सारे जूतों को बनाता था और उसकी जो क्वालिटी होती थी वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी वेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम पीपुल वॉन्ट वेट अब लोगों के साथ समस्या क्या होती थी जब भी लोग गेस्लर को ऑर्डर देते दे थे तो लोग बिल्कुल भी उसे इनफ टाइम नहीं देते थे जूते बनाने के लिए लोग कहते थे नहीं मैंने आज ऑर्डर किया तो मुझे आज ही बना के दो एंड ही वॉज ऑलवेज बिजी इन मेकिंग शूज़ और वो क्या करता था कि वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को कस्टमर की डिमांड को और इन टाइम कंप्लीट करने की वजह से वो अपने फूड को डिले कर देता था और उनके जूते बनाने में बिजी रहता था He lost everybody, and there ही लॉस्ट going on and on. वो से था कि वो किसी से बात नहीं करता था वो सिर्फ जूतों बनाने में ही रहता था जूते ही बनाता रहता था वो यहीं बैठता था और जूते going on and on, जूते बनाता रहता था बनाता रहता था I will say that for him, not a man in London made a better जू बूट और इस लंदन में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि गैसलर की तरह जूते बना सके बट लुक एट द कॉम्पिटिशन ही नेबर एडवरटाइज अब ये भी कहा गया कि देखो कंपटीशन देखिए आप जो छोटी भी कंपनी थोड़ी सी भी आगे बढ़ जाती है तो वो क्या करती है बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करती है जिसकी वजह से उनका काम और ज़्यादा आगे बढ़ता है बट गैसलर डिडंट डू एडवर्टाइजमेंट फॉर हिज शू मेकिंग उसने कभी भी अपनी शू मेकिंग का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ और उसके पास क्या था बेस्ट लेदर होता था जो कि वो खुद अपने हाथों से बनाया करता था और शूज भी वो अपने हाथों से बनाया करता था वेल देयर इट इज़ वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज बर्ट स्टेशन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि वो जो गैसलर ब्रदर था उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो उसने जो शॉप थी वो रेंट पे ली हुई थी उसको शॉप का किराया भी देना होता था एंड उसको लेदर अच्छी क्वालिटी का लेदर था जो कि उस जितना भी वो अर्न करता था वो शॉप के रेंट में और लेदर ख़रीदने में ही चला जाता था तो उसके पास इतना बचता ही नहीं था कि वो अच्छा खाना खा सके तो इसी वजह से उसकी क्या हुई डेथ हो गई दैट मे बी अ बिट फ्लावर As the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last. You see, आई यूज टू वॉच हिम Never गेव हिम टाइम टू ईट Never हैड अ penny इन द हाउस अब ये जो इंग्लिश मैन है ये जो बॉय यहाँ पर बैठा हुआ है यंग बॉय वो नरेटर को बता रहा है कि दैट मे बी बिट फ्लॉबरी एज द इज़, बट आई नो माई सेल्फ आई वॉज सिटिंग ओवर हिज बोट्स डे एंड नाइट मैंने मैंने खुद गैसलर को देखा है ट्वेंटी फोर आवर्स डे एंड नाइट वो यहां पर बैठ के जूते बनाता था टू द वेरी last you see. आई यूज़ टू वॉच हिम वो कहता है कि मैं उसको हमेशा ही देखता रहता था कि वो कैसे हार्ड वर्क करता था नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू ईट लेकिन वो कभी अपने आप को खाना सही से खाना खाने का टाइम भी अपने आप को नहीं देता था नेबर हैड अ पेनी इन द हाउस और उसने कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की थी बहुत ज़्यादा शेपिंग नहीं सेविंग नहीं थी उसके घर में एक मुश्किल से बहुत ही लिटिल मतलब मनी उसके घर में थी ऑल वेंट इन रेंट अब थोड़ा सा जो पैसा कमाता था ऑल वेंट इन रेंट यानी कि ये जो शॉप जो किराए पे ले रखी है इसका किराया निकल जाता था एंड लेदर लेदर भी क्या होता था वो बिल्कुल प्योर लेदर अच्छी क्वालिटी का लेदर होता था तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता था और उसके खुद के लिए पैसा बचता नहीं था हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो वो कहता है कि फिर भी वो सेवेंटी फाइव ईयर्स तक मतलब जिया फिर भी इतना लंबा जी कर चला गया मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतना लंबा ज़िंदगी कैसे जीता रहा जब उसके पास खाने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट उसके अंदर जो जूते बनाने की आग थी वो रोज़ जलती थी और रोज़ वो अपने पैशन मतलब कि उसको जूते बनाने का क्या था पैशन था एंथोसियाजम था उसके अंदर जूते बनाने का और वो जूते बनाता रहता था ही वॉज अ करेक्टर वो मतलब उसने अपना नाम मतलब कमाया है ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बुट्स लेकिन उसने जो जूते बनाए हैं लंडन में कोई भी इतने अच्छे जूते नहीं बना सकता है यस आई सेड ही मेड मेड गुड बुड्स अब जो ये जॉन गेल्स वर्दी हैं ये बोलते हैं उस यंग बॉय से यस आई नो कि वो एक पर्सन था गैसलर जिसने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जूते बनाए और मैंने और मेरे पापा ने पहने हैं ऑल द स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू समराइज द चैप्टर बहुत ही थोड़े से पॉइंट्स हैं आप उसको सुन लीजिए वॉट इज द स्टोरी सी डियर वॉज अ शू मेकर नेम्ड गैसलर एक शू मेकर था जिसका नाम था गैसलर एंड उसकी शॉप जो थी उसका भी नाम क्या था गैसलर ब्रदर एंड इट वॉज इन द पार्ट ऑफ फैशन ठीक है एक जहाँ पर बहुत सारी शोरूम होते थे वहीं पर एक छोटे से कॉर्नर में इसकी शॉप हुआ करती थी बट इट वॉज वेरी डिफरेंट टाइप ओके डिफरेंट टाइप कैसे थी क्योंकि जितनी भी शॉप्स वहाँ पर होती थी उस पर आगे शोरूम जो होते थे और जो शॉप्स होती थी वो आगे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता था बहुत कलरफुल चीज़ें होती थी लेकिन ये जो गैसलर ब्रदर की शॉप थी यहाँ पर सिर्फ एक और एक ऊपर एक टाइटल सिर्फ लगा हुआ था गैसलर ब्रदर नथिंग एल्स और कुछ शूज़ ही इसके यहाँ पर हैंग हुआ करते थे क्यों क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर पर ही शूज़ बनाता था बहुत बल्क में इसके यहाँ शूज़ नहीं होते थे ऐसा नहीं होता था कि कस्टमर जाएगा और वहाँ पर जूते पहन पहन के देखेगा जो भी शूज उसको फिट आएगा और वो लेके चला जाएगा ऐसा नहीं होता था ये सिर्फ जूते तभी बनाता था जब कोई कस्टमर्स को ऑर्डर करता था लेकिन इसके जूते बहुत ही अच्छे होते थे और बहुत ही वेल फिटेड होते थे जब भी कोई कस्टमर इसके जूते लेता था तो बहुत अच्छी फिटिंग के जूते रहा करते थे अब ये जो नरेटर है नरेटर एंड इसके फादर ये दोनों ही शूट जो है इसी गैसलर बेदर के यहाँ से लिया करते थे एंड इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि ये जो नरेटर है ये बिल्कुल कोई प्लान नहीं होता है ये दूसरी कम उसने कभी इमरजेंसी में उसको जूतों की ज़रूरत पड़ी होगी क्योंकि वो अब्रॉड घूमता रहता था और उसे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी थी तो उसने किसी बिग फॉर्म से जूते ख़रीद के पहने हुए थे और उसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ये वाले जूते पहन के जा रहा हूँ तो गैसलर ब्रदर को बुरा लगेगा एंड वो वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही गैसलर ब्रदर की नज़र जाती है इसके जूतों पर वो समझ जाता है और वो क्या कहता है नो दिस इज़ नॉट माय बोट ये तो मेरी मेरी दुकान का बूट नहीं है ये मैंने नहीं बनाया मतलब कि वो एकदम से दूर से रिकॉग्नाइज कर सकता था कि ये मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है देन अब क्या था कि जो नरेटर होता है वो इस जो शूज़ को पहने हुए होता है दे वर नॉट कंफर्टेबल वो उसको लेफ्ट साइड में कहीं पे पिंच कर रहे थे एंड गैसलर बदर को ये समझ में आ जाता है कि ये जो शूज़ हैं वो इसको पिंच कर रहे हैं फिर क्या करता है वो लेफ़्ट साइड में वो अपनी फिंगर से कुछ सेटिंग करता है कुछ पता नहीं क्या करता है एंड आफ्टर दैट वर कंफर्टेबल अब वो जो शूज़ होते हैं वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाते हैं अब नरेटर आ, मतलब नरेटर इसीलिए उस शू मेकर की आर्ट को बहुत ही बड़ा मानता है एंड नरेटर का ये भी कहना है इट इज़ वेरी टफ टू मेक फिटेड शूज़ क्योंकि ये जो फूट होते हैं ये बहुत ही अलग अलग शेप के होते हैं लोग किसी का पैर बड़ा होता है किसी का छोटा होता है किसी की फिंगर आ, बड़ी होती है छोटी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं तो ये बहुत बड़ा काम समझता है लेकिन नरेटर बताता है कि ये जो आ, गैसलर ब्रदर है इसके जो शूज़ होते हैं वो हमेशा क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं और फिटिंग में भी अच्छे होते हैं तो आफ्टर दैट ये जो है आ, गैसलर ब्रदर को अच्छे से पता था अच्छे से टेक्निक पता थी कि किसी कस्टमर को कहां पर कोई चीज पिंच कर सकती है तो वो शूज को ठीक कर देता है एक इवेंट इसमें यह भी बताया गया था कि वन डे नरेटर कंप्लेन द शूज़ कि ये जो है ये शूज़ जो हैं बहुत ही साउंड करते हैं क्रिक हो चुके हैं तो फिर आ, जो गैसलर प्रदर होता है वो ये कहता है कि आपने यूज़ करने से पहले इसे ज़रूर कहीं ना कहीं भिगो दिया होगा भींग गए होंगे देन नरेटर उसको बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है मैंने वेट तो नहीं किया था बिल्कुल भी भिंगे नहीं थे देन uh, क्या होता है कि वो एकदम से शाई हो जाता है गैसलर uh, ब्रदर उसको बुरा लगता है कि ऐसे कैसे मैंने uh, जूते क्वालिटी खराब क्वालिटी दे दी ऐसा कैसे हुआ तो वो अपनी आँखों को डाउन कर लेता है नीचा कर देता है उसके बाद वो नरेटर से बोलता है कि आप शूज़ लेकर आइएगा मेरे पास अगर मैं उसमें कुछ कर पाया अगर मैं ठीक कर पाया तो करूँगा अदरवाइज़ मैं उसका जो अमाउंट है वो आपको वापस कर दूँगा इट मीन्स कि वो जो शू मेकर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और साथ ही साथ ऑनेस्ट था किसी भी कस्टमर के साथ में गलत नहीं करता था तो ये दो चीज़ें सामने आती हैं कि ये जो शू मेकर था इसका करेक्टर बहुत अच्छा था एंड लास्टली जो है स्टोरी में बताया गया है कि पहले इसके एल्डर ब्रदर की डेथ हो जाती है डेथ का रीज़न क्या बताया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता रहा एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई और हेयर्स उसके वाइट हो गए जल्दी हेयर्स वाइट हो गए क्यों क्योंकि बहुत क्वालिटी फूड वो लोग नहीं ले पाते थे क्यों नहीं ले पाते थे इट वॉज़ वेरी लिटल अर्निंग उनके लिए बहुत ही छोटी अर्निंग हो पाती थी और छोटी अर्निंग क्यों हो पाती थी क्योंकि वो अच्छा लेदर क्वालिटी महंगा लेदर खरीदते थे ठीक है और कस्टमर को अच्छा शूज़ बना के देते थे और कस्टमर्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब देने को तैयार नहीं होते होंगे तो और ना तो कोई ये लोग एडवर्टीज़मेंट करते थे अब इनका बिजनेस भी कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि ये जो बिग फॉर्म्स आ जाती हैं ये शो शोआ बहुत ज़्यादा करती हैं टेलीविजन पर पे, न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी जगह पर जब एडवर्टाइजमेंट ये बिग फॉर्म करती हैं तो कस्टमर सारे इन बिग फॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं और गैसलर वेदर के ऑर्डर कम हो जाते हैं ये भी जो है ये शेयर करता है नरेटर को तो इस तरीके से देखा है कि फाइनली पहले एल्डर ब्रदर की डेथ होती है एंड आफ्टर ऑल फिर ये जो गैसलर ब्रदर होता है इसकी डेथ भी हो जाती है एंड एक यंग मैन इंग्लिश यंग मैन होता है लास्ट में जो शॉप पे मिलता है वो रीज़न बताता है कि क्या रीज़न था गैसलर ब्रदर के डेथ का वो यही बताता है कि उसको आ, क्या होता था कि डे एंड नाइट ही वॉज बिजी इन मेकिंग शूज़ ही ऑलवेज थिंक अबाउट द कस्टमर ठीक है वो सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में सोचता है और रात दिन उसको आ, दूसरी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता है क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि उसको शॉप का रेंट भी देना होता है और दूसरा उसको लेदर की क्वालिटी भी देखनी होती है तो जितना भी कस्टमर से पैसा मिलता है तो वो सारा का सारा पैसा स्पेंड हो जाता है रेंट एंड क्वालिटी लेदर खरीदने में तो इसीलिए वो जो यंग इंग्लिश मैन होता है वो सारी प्रॉब्लम्स उसको बताता है लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखता था ही डिडेंट हैव इनफ टाइम टू ईट वो उसको खाने का ख्याल नहीं रहता था डे नाइट ही वॉज़ बिजी इन मेकिंग शूज़ लेकिन फिर भी इतने थोड़े से अर्निंग में ही वो इतना लॉन्ग लाइफ जी के गया कैसे जी के गया ये पता नहीं है सो दिस इज़ द स्टोरी ये एक शू मेकर की स्टोरी है जो कि एक बहुत ही क्वालिटी शूज देता था कस्टमर्स को और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती थी सो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ओके सो ऑल द स्टूडेंट्स अगेन रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर राइटिंग वर्क आई सेंड पीडीएफ टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ओके टेक केयर थैंक यू